अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान अजीज़ और आज हम कर रहे हैं सुजुकी कल्टस 2017 का रिव्यू। ये न्यू शेप है 2017 का, तो आए पहले आपको इसका एक वॉक अराउंड देते हैं, उसके बाद रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चले आए फ्रंट से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो काफ़ी यूनिक सा फ्रंट है और सेंटर में आपको सुजुकी का एम्बलम मिल जाएगा। इसमें आपको ये VXR वेरिएंट है, तो इसमें आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलेगी, क्रोम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नीचे वाली ग्रिल भी आपको ब्लैक मैट कलर में मिल जाएगी। और हेडलाइट की अगर बात करें तो इसकी बेस जो है वो स्मोक ब्लैक कलर की है, और इसके जो बीम्स हैं, इसके इंडिकेटर्स हैं, और जो इसकी पार्किंग लाइट है वो आपको क्रोम में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल जो है वो इसकी हेडलाइट्स हैं। और आप नीचे देख रहे हैं फॉग लाइट्स, तो फॉग लाइट्स में हमने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि VXR वेरिएंट है, इसके अंदर फॉग लाइट्स आती नहीं है, तो हमने आफ्टर मार्केट जो है वो इसमें यूज़ करी है। इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक VXR है, जो कि ये VXR वेरिएंट है, और एक VXL है जो कि मैनुअल में आता है, और एक VXL AGS है। तो आप इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको 14 इंच का अलाइव व्हील मिल जाएगा, ये हमने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। इसके अंदर VXL के अंदर अलाइव व्हील आता है और VXL AGS के अंदर आता है, तो ये VXR वेरिएंट है, तो इसके अंदर अलाइव व्हील नहीं आता। इसके अंदर आपको स्टेपनी और व्हील कैप मिलते हैं, ब्लैक कलर की स्टेपनीज होती है, ऊपर सिल्वर के जो है वो व्हील कैप्स होते हैं। तो हमने चेंज करवा दिए थे, जिस हिसाब से गाड़ी का कलर है उस हिसाब से जो है वो हमने इसके रिम चेंज करवा दिए, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसकी साइड प्रोफाइल को। दूसरा, आपको इसके अंदर एक ऑरेंज कलर का इंडिकेटर मिल जाएगा इसके फेंडर में, और जो इसके रियर व्यू मिरर्स हैं ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं, मैट ब्लैक कलर में। ये आप एयर प्रेस देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट है, और हैंडल्स भी आपको इसमें ब्लैक कलर के मिलते हैं, क्योंकि ये VXR वेरिएंट है। इस तरह आपको जो डिक्की का हैंडल है वो भी आपको इसमें ब्लैक कलर का मिलेगा। तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपको बताऊँ तो काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 145 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप ये कि गाड़ी फुल लोड भी कर लेते हैं, तो पाँच बंदे भी अगर इसके अंदर बिठा लेते हैं तो गाड़ी आपकी नीचे स्पीड ब्रेकर में कहीं पर भी नहीं लगेगी। तो इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, इम्यूबलाइजर की है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था, आप जाके ऊपर लिंक लगा हुआ है देख सकते हैं। तो उसके अंदर कंप्लीट मीटर की हमने सेटिंग बताई है, तो उससे आप ये लॉक अनलॉक की सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि एक दफ़ा दबाएंगे तो सिर्फ आपके ड्राइविंग साइड का लॉक खुलेगा, दो दफ़ा दबाएंगे तो सारे लॉक खुलते हैं। तो वो सेटिंग आप चेंज भी कर सकते हैं कि एक दफ़ा आप जब इसको क्लिक करें तो सारे लॉक खुल जाएँ ट्रंक समेत, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलें इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मास्टर पैनल की बात कर लेते हैं ड्राइविंग साइड वाले की। तो इसके अंदर आपको चारों विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, विंडो लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। और ये आप जगह खाली देख रहे हैं तो इसमें पावर मिरर नहीं है, क्योंकि VXR का वेरिएंट है, इसमें ये हमें नॉर्मल डंडी वाले जो है वो साइड मिरर की सेटिंग मिल जाती है। तो आए इंटीरियर और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको फील होगा कि कोई आप हाई स्टैंडर्ड गाड़ी में बैठे हो, आपको कहीं से फील नहीं होगा, आप लोकल असेंबल्ड पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी में है, सुजुकी कल्टस के अंदर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा फील है, ब्लैक और ग्रे का टच है इंटीरियर में। इंटीरियर के जो आप प्लास्टिक कह सकते हैं, ये जो है डैशबोर्ड, ये काफ़ी हैवी हैवी प्लास्टिक का है, स्टीयरिंग काफ़ी सॉफ्ट है, फील अच्छा है। ये VXR वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको एयरबैग्स नहीं मिलते, VXL और VXL AGS के अंदर आपको इसके अंदर एयरबैग्स मिल जाते हैं। और मीटर की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको नॉर्मल 8000 RPM तक इसका मीटर मिल जाता है, और स्पीडोमीटर जो है वो तकरीबन 180 किलोमीटर पर आ रहा है। और बाकी ये इन्फो क्लस्टर है, ये ऑरेंज कलर का है, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, वो आप मेरी वीडियो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेंटर कंसोल की तरफ आ जाते हैं, शुरू में ही आपको दो AC की वेंट्स मिल जाएगी। सेंटर में हैजर्ड का बटन मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा हैजर्ड का बटन है, और ये क्लैरियन का, इसमें आपको मल्टीमीडिया मिल जाता है, इसमें ना अच्छी खासी सेटिंग है। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हम उसका ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करें, तो इंशाल्लाह एक वीडियो उस पर ही बनाऊंगा मैं। और दूसरा ये कि नीचे आपको AC कंप्लीट कंट्रोल मिल जाएगा, नॉर्मल AC है, डिजिटल नहीं है, तो कूलिंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर एक बस एक ये प्रॉब्लम है इसके अंदर कि आपको जो है वो अगर लोग स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें ना लाइटर की जगह नहीं है, ना चार्जिंग का कोई सॉकेट है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो
दूसरा ये इसमें आपको नॉब मिल जाएगा, गियर का नॉब काफ़ी अच्छी जगह पे दिया हुआ है, कंफर्टेबल है, आप ड्राइव कर रहे हैं उस वक्त भी, और इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दो जो है वो क्लास होल्डर मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और एक थोड़ा सा बड़ा है, जैसे हमने ये बॉटल रखी हुई है 1.5 लीटर की, तो एक काफ़ी बड़ी जगह जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। बॉक्स की बात करें तो इसमें काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, काफ़ी अच्छा सामान आपका इसके अंदर आ सकता है। इसी तरह आपके राइट और लेफ्ट से भी दरवाज़ों के अंदर स्पेस है, तो उसके अंदर भी आप काफ़ी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। रूफ हैंडल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो VXR वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ पैसेंजर साइड पे एक रूफ हैंडल मिलता है, बाकी आपको किसी साइड पे जो है वो रूफ हैंडल नहीं मिलेगा। स्पीकर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, चारों दरवाजों के अंदर स्पीकर्स हैं, साउंड काफ़ी अच्छा है। बताऊं आपको इसमें रूफ लाइन मिल जाती है, तो काफ़ी जो है वो आप अगर वजन डालते हैं या कोई काफ़ी हैवी चीज़ गिरती है तो आपकी रूफ जो है वो दबती नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हमारे पुरानी कल्टस में ऐसा होता था, मेहरान में हमारे साथ ऐसा होता था कि कोई कोई बच्चा बिठा देते थे तो छत दब जाती थी, तो वो प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। और एंटीना आप देख रहे हैं, रेडियो एंटीना काफ़ी बड़ा एंटीना है, आपको कुछ कुछ जगह पे आपको प्रॉब्लम करता है। तो थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट के बारे में आपको बताऊँ तो काफ़ी ईजी है, दरवाज़ों का खुलने का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, देखें फ्रंट का भी काफ़ी ज़्यादा है, बैक का डोर्स का भी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ईजली है एंट्रेंस और एग्जिट। तो मैं आपको अंदर बैठ के भी दिखाता हूँ, लेग स्पेस के बारे में बताता हूँ। तो अभी नॉर्मल सेटिंग पे है, तो तकरीबन मेरी हाइट के हिसाब से देखें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, रूफ़ की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, मेरा सर देखें कम कम से कम भी इस वक्त 5 इंच का गैप है अभी भी, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर लें उस वक्त। और अब बैक पे भी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, तो बैक सीट्स देखें हमने नॉर्मल अभी सेट की हुई है, उस हिसाब से देखें लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है और हाइट भी काफ़ी अच्छी है पीछे बैक साइड पे भी, और 3 पर्सन से इजीली जो है वो इसके अंदर बैठ सकते हैं। बैक साइड की अगर बात करें तो काफ़ी ब्यूटीफुल है बैक साइड भी, और इसमें आपको क्रिस्टल जिसे फ्रंट की क्रिस्टल हेडलाइट्स है, इसी तरह आपको बैक लाइट भी क्रिस्टल मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इसकी बैक को। और बम्पर थोड़ा सा स्पोर्टी है, और आप देख रहे हैं सेंटर में आपको सुजुकी एमब्लेम मिल जाएगा, राइट साइड पे आपको कल्टस और VXR का एक मोनोग्राम मिल जाएगा। ब्रेक लाइट काफ़ी अच्छी जगह पे दी गई है, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लुक दे रही है इसकी बैक को। बूट स्पेस की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, तकरीबन 254 लीटर का ये बूट स्पेस है, इसके अंदर आपको 2 हाइड्रोलिक्स मिल जाएंगे और आपके 2 लगेज इजली इसके अंदर आ सकते हैं। नीचे आपको जो है वो इसकी टूल किट मिल जाएगी और स्पेयर व्हील मिल जाएगा। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, आप इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस भी ले सकते हैं, इसकी पिछली सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इंजन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 998 cc इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 67 हॉर्स पावर, और टॉर्क तकरीबन इसका 90 न्यूटन मीटर है, काफ़ी अच्छा टॉर्क है। और अगर आप इसको वेगनार से कंपेयर करते हैं तो इंजन वेगनार और कल्ट्रा का सेम है। पावर स्टेयरिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग मिल जाता है। गियर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है, और अगर आप AGS की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको 5 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाती है। फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो तकरीबन विद इन सिटी आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा, और हाईवे पर ये 21 किलोमीटर पर लीटर तक चला जाता है। एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ तो ये VXR वेरियंट है, इसके अंदर आपको ABS भी नहीं मिलता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।